यहाँ के जन सैलाब को देखते हुए एनडीसी टीम को आना ही पड़ा। हम इस समय आपको लाइव दिखा रहे हैं, बने रही हमारे एनडीसी न्यूज पे। कबीर जी की एक बाणी है, संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो दो कदम आकर रहे वो यज्ञ समान। इस समय हम आपको दिखा रहे पूरा ग्राउंड रिपोर्ट। हमें ग्राउंड पर उतरना ही पड़ा, आखिर क्या रीजन रहा? लोग रीजन यही है कि सत्संग की आधी घड़ी, तपके पर हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। दोस्तों, हमारी एनडीसी टीम इस समय पहुंची है कचपुरा गांव, फतेहाबाद रोड, जिला आगरा में डीके फार्म हाउस में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन चल रहे थे। बड़ी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे वो भीड़ दिखाए जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं। इस समय हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं, दोस्तों जब एनडीसी को पता चला तो एनडीसी पर रुका ना गया, ग्राउंड में पहुंच गया। आपको कवरेज दिखा रहे हैं, किस प्रकार से व्यवस्था को संभाल रखा है, आप देख सकते हो। बड़ी भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। इसी प्रकार से लेटेस्ट व्यू जानने के लिए बने रहिए हमारे एनडीसी न्यूज पर। हम इस ग्राउंड में आने के बाद आपको हर एक चीज से रूबरू कराया, हमारे जो ग्राउंड में संवाददाता उतरे उनसे भी रूबरू कराया। वहां आकर के, यानी कहने का मतलब डीके फार्म हाउस में आकर के हमारे संवाददाताओं ने आपको क्या क्या रिपोर्ट दी, हमारे संवाददाताओं ने आपको क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से संबंधित जानकारियां दी, इसी प्रकार से लेटेस्ट व्यू जानने के लिए बने रहिए हमारे एनडीसी न्यूज पर। नाम रटे निर्भय कला हरदम ही रास्वास, ग्रिब ले लागी तब जानिए जग से रहे उदास। नाम रटे निर्द्वंदे होए अनहदपुर में बास, ग्रिब ले लागी तब जानिए हरदम नाम उचा। धीरे धीरे होएगा ओ अल्लाह दीदार, ग्रिब सतगुरु को क्या दीजिए तन मन धन अरशीष, पिंड प्राण कुर्बान कर जिन भक्ति दई बख्शीश। ग्रिब ले लागी तब जानी अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन बुजुर्ग माता बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से, और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ हो लेंगे। फिर ये बाप की उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहां से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना, अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए इस ज्ञान प्राप्ति से पहले, तो वहां मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूं। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है। उसका गरेबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वह स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यो कह रहे थे डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है,
अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, मुझे मारो डले, यू कहां से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, मारे श्रद्धा को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साई गुरु जी निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहां भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को, कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास या किसी पंथ में या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिलते मालिक में अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करियो अपने आत्मा पे, यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया ये मेरा ओडिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता है, दूर हो जाए, ये मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितना दिन फिर वहां आएगा, एक दिन मालिक लाओगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानेगा फिर उसका निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा।